आज के इस वीडियो में एक्सेल पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। ट्रिक नंबर वन, यहाँ पर देखिए एक टेबल बनी है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एक कॉपी और बना लीजिए तो आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते होंगे, लेकिन नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखना है। फिर इधर देखिए, माउस के पॉइंटर पर मूव एरो आ रहा है। अब आप इसको पकड़कर कहीं पर भी रख सकते हैं। इसी तरह आप कितनी भी कॉपी बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ट्रिक नंबर टू। तो दोस्तों, जैसे आपके पास दो टेबल हैं, पहले टेबल से आप केवल वेडनेसडे तक डेटा निकालना चाहते हैं और दूसरी टेबल से आप वेडनेसडे से सैटरडे तक डेटा निकाल कर अलग लाना चाहते हैं, तो दोस्तों क्लिपबोर्ड से हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार के होम टैब में क्लिपबोर्ड के इस एरो पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो क्लिपबोर्ड को मूव करके इस तरह से कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ सारा डेटा शो होता है। जैसे देखिए, अभी हम फर्स्ट टेबल में ऊपर के फोर डेज का डेटा सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो क्लिपबोर्ड में देखिए कॉपी किया हुआ डेटा आ चुका है। इसके बाद हम दूसरी टेबल में लास्ट के फोर डेज का डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। अब आपको डेटा जहां पर लाना है वहां पर कर्सर रखिए। उसके बाद क्लिपबोर्ड में पेस्ट ऑल पर क्लिक करके सभी को पेस्ट कर देते हैं। बस यहां पर देखिए, पहले टेबल के ऊपर के चार रो और दूसरी टेबल के नीचे के चार रो का डेटा अलग आ चुका है। दोस्तों अगर आपको केवल एक ही टेबल का डेटा चाहिए था तो जहाँ पर पेस्ट करना हो वहाँ कर्सर रखिए। उसके बाद इधर देखिए, जो डेटा चाहिए उस पर डबल क्लिक कर देना है। ओके, तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद ट्रिक नंबर थ्री। मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा है। अब आपको इसका ग्राफ या चार्ट बनाना है, तो सिंपली आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से Alt प्लस F1 यानी कि Alt के साथ F1 को प्रेस करना है। तो देखिए डेटा का एक चार्ट बन चुका है। अब इसे आप माउस से छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको इसी डेटा का एक दूसरा चार्ट क्रिएट करना है और वो किसी दूसरे कलर में होना चाहिए, तो इसी चार्ट को सिलेक्ट करके इसे कॉपी करना है। फिर अलग कर्सर रखिए, उसके बाद पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसकी कलर फॉर्मेटिंग करने के लिए इसी पर डबल क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने डेटा में कुछ चेंजेस करेंगे तो देखिए, आपका चार्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहेगा। ओके, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद ट्रिक नंबर फोर। दोस्तों अगर आपको अपने इसी डेटा में और भी कॉलम टाइप करना है, जैसे देखिए अभी हम अपने डेटा के लास्ट में एक कॉलम और टाइप करके मेंशन कर देते हैं। तो अब हमें यह डेटा चार्ट में भी अपडेट करना है। तो देखिए, जो डेटा आपने बाद में मेंशन किया हो उसको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद अपने चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल वी को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, हमारा चार्ट अपडेट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब ट्रिक नंबर फाइव, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए, एक्सेल फाइल का एक शॉर्टकट है, यानी कि ये जो फाइल है हम भूल गए हैं कि ये किस लोकेशन में सेव है, यानी कि इस फाइल को हमने किस ड्राइव में और कहां पर सेव किया था याद नहीं है। तो अब इसकी ओरिजिनल फाइल कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए, इसी फाइल को ओपन करना है।
अब यहाँ पर किसी भी ब्लैंक सेल में इक्वल टू लगाना है, इसके बाद सेल टाइप करना है, फिर टैब को प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट आ गई, यहाँ पर आपको फाइल नेम पर डबल क्लिक करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए फाइल का पाथ यानी कि फाइल की लोकेशन मालूम हो गई। इधर देखिए हमारी फाइल डी ड्राइव में गुफरान ऑफिस वर्क के फोल्डर में GC एक्सेल आफ्टर डिलीट के नाम से है और इसमें शीट नंबर 5 पर वर्क हो रहा है। तो दोस्तों एक्सेल पर ये सभी ट्रिक मैं बहुत यूज़ करता हूँ, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम और ट्रिक्स जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।